friends, how are you all? Welcome to Shalini Hubalikar channel. आप सब लोगों का शालिनी हुबलीकर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं यानी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. आप लोगों का जो लेसन नंबर है, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7 फुटप्रिंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है. तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने नहीं देखा है इसका एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए. आप लोगों को सारे एसएससी के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, प्लस ऐसे कथा लेखन, कहानी लेखन, सब कुछ आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ओके, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ लाइव स्ट्रीम में. स्टार्टिंग से हम लोग एक बार रिवीजन करने वाले हैं मराठी और हिंदी का स्पेशली, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को हिंदी और ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. हिंदी तो जैसे तैसे कर रहे हैं बच्चे, लेकिन मराठी में ज़्यादा डिफिकल्टीज है उन लोगों को. तो मैं स्टार्टिंग से संतवाणी से स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन, और वो भी लाइव स्ट्रीम में. तो आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप लोग तुरंत क्लियर कर सकते हैं, तो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ लेसन नंबर 7 फुटप्रिंट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो बी रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक. ओके, अभी यहाँ पर जो शब्दार्थ आप लोग को दिए हुए हैं, समदा यानी सर्व, ऑल, भोक्ता यानी आवड असनारा. अगर किसी को भी कोई चीज करने का शौक होता है तो वो कम्प्लीटली उसे एक तरह से एक एंजॉय करता है वो, और उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाता है. बक्कड़ यानी पुष्कर, बहुत सारा, लॉट्स ऑफ. अनाठाई, अयोग्य ठिकानी, रॉन्ग जगह के ऊपर. टेक्नोसेवी यानी तंत्र स्नेही, यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना अपनी, उसको सेव करने वाला, उससे प्यार करने वाला. निरभ्र, ढग नसलेले, जब स्काई में कोई भी बादल नहीं होता है ना और प्लेन स्काई होता है तो उसे कहते हैं निरभ्र आकाश, आभाळ. वर्ख, अतिशय पातळ पत्रा. वर्ख यानी वेरी थिन प्लेट ऑफ वेरी थिन आयरन प्लेट. ओके, उत्सर्जन यानी बाहर टाकने, एक्सक्रेशन बोलते ना उसको, उसे उत्सर्जन कहते हैं. अवघ यानी संपूर्ण, सगळ. अवघ यानी कंप्लीट, पूरा. ठीक है, सगळ, मैं पूरा खा जाऊंगा, मैं सगळ खाणार, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, मळमळ व्यक्त करणे म्हणजे नाराजी व्यक्त करणे. कोई बात हर्ट हो जाती है तो जब बोल के बताते हैं ना हम लोग कि हाँ ये जो है ना बात तकलीफ देती है ना हम लोगों को, तो उसे कहते हैं मळमळ व्यक्त करणे यानी नाराजी व्यक्त करणे. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कृति. एक, आकृति पूर्ण करा. अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंड मार्क्स गेनिंग भी है. ओके, इसमें आप लोग अच्छे और ज्यादा मार्क्स मिला सकते हैं, लेकिन अगर ये गलतियां नहीं करेंगे तो. ओके, तो ओ रेखा मावशींच्या पावलांची वैशिष्ट्ये. तो रेखा मावशी जो है उनके पैरों की खासियत क्या है, वैशिष्ट्य मीन्स खासियत. पैरों की, पावलांची मीन्स लेग्स. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ रेखा मावशीज लेग्स. ओके, सो चंदेरी वर्खात मढ़वलेली, चांदी के इसमें डाली हुई. चंदेरी वर्खात यानी चांदी के, चांदी का जो पत्रा होता है ना उसमें, उससे सजाई हुई, उसमें लपेटी हुई, उसके ऊपर उसका लेयर डाला हुआ है. ठीक है, तो चंदेरी वर्खात मढ़वलेली,
स्वच्छ पाण्या सारखी, क्लीन एंड क्लियर वाटर के जैसा। ओके तो जब आप लोग ये बॉक्स कंप्लीट करते हैं ना, तो आप लोगों को ये आंसर, अभी ये मैंने जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखना है, आंसर शीट में इस तरह से ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे ऐसे करके ऐसे एरोस करके फिर उसे बॉक्स बनाना है, और पेन से, हाँ पेन से बॉक्स बनाना है, और फिर उसके अंदर आंसर लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके और ये जो स्वच्छ पाण्या सारखी है इसको भी बॉक्स में ही लिखना है, जितना नीट एंड क्लीन वर्क होगा उतने आसानी से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। ओके नेक्स्ट है आप पावड़े काकांच्या पावलांची वैशिष्ट्य। अभी जो पावड़े काका थे उनके पैरों की खासियत क्या थी? कोजीरी गुलाबी, सॉफ्ट एंड पिंक एंड लोनियागत, जैसे मक्खन होता है ना, बटर बटर जो ब्रेड में लगाकर खाते हैं, तो उसके जैसी लोनियागत लाइक अ बटर, सॉफ्ट लाइक अ बटर। ओके तो ये है उनके पैरों की खासियत, तो इसे भी आपको बॉक्स में ही लिखना है तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, कभी भूलना मत। टू कारनी लिहा और स्नेहल त्रासली कारण, अभी स्नेहल क्यों इरिटेट हुई, इसकी वजह क्या थी? व्हाट इज द रीजन व्हाई स्नेहल बिकम इरिटेट त्रासली, तो उसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि स्नेहल त्रासली कारण रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते। उनके जो गंदे पैर थे ना वो लादी पहुंच रही थी, उनके जो घर में काम करने वाली जो मौसी थी वो लादी पहुंच रही थी, लेकिन उसके जो पैर थे ना डर्टी थे, वो पैर पोछे हुए जगह पे उठ रहे थे, जो गंदगी थी पैरों में की उसमें लग रही थी, इसके लिए वो इरिटेट हो गई। ओके तो नेक्स्ट है पावड़े काकांचा चेहरा पड़ला कारण, अभी पावड़े काकांचा चेहरा पड़ला इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मुंह नीचे गिरा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बात प्रूव होती है कि यू आर बैड, यू डिड दिस रॉन्ग थिंग, तो हाउ यूअर एक्सप्रेशन विल कम आउट, यू फील गिल्टी नो, तो इस हिसाब से पावड़े काकांचा चेहरा पड़ला कारण, क्यों क्यों पावड़े काकां का चेहरा इस तरह से गिल्टी फील करने लगा, क्यों उन्हें बुरा लगा, तो उसका आंसर आप लोग ऐसे लिखोगे पावड़े काकांचा चेहरा पड़ला कारण कारण सुमितच्या ऍपवर पावडे काकांची पावले काळी कुट्ट उमटली, जो उसका ऍप था उसमें उसके पैर जो थे वो एकदम काले दिखने लगे, आणि खाली शब्द आले और नीचे ऐसे लिखा गया कि सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, तो उनको लिखकर भी आया मैसेज कि सॉरी यूर फुटप्रिंट्स आर वेरी डर्टी, डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, तो ये जब सुना उन्होंने और ये देखा तो उन्हें बहुत शर्म आई, ही फील वेरी गिल्टी एंड उसका चेहरा जो था वो पड़ला, पावड़े काकांचा चेहरा म्हणून पड़ला। ओके गुड नेक्स्ट है ई रेखा मावशींची पावलं अधिक सुंदर आहेत कारण, व्हाय रेखा मावशीज लेग्स आर मोर ब्यूटीफुल देन पावड़े काका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे का कारण क्या है, तो इसका आंसर आएगा रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नव्हता,
जो रेखा मावशी थी उनका जो डेली रूटीन था, उस डेली रूटीन में ऐसा कोई भी वो व्हीकल यूज नहीं करती थी जिससे कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो। ओके, इसके लिए रेखा मावशी के जो पैर थे वो ज्यादा ब्यूटीफुल थे। इफ यू विल लिसन कंप्लीट लेसन देन यू विल कम टू नो व्हाट इज द रीजन परफेक्टली। ओके, अगर आप लोग पूरा लेसन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। ई, सुमित भंड तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मस्ट कारण। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करना चाहिए, जरूरी है, मस्ट यानी जरूरी है। तो व्हाई वी हैव टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, सो द रीजन इज दिस। सुमित म्हणतो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मस्ट कारण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता प्रायव्हेट वाहन न वापरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट वापरणे गरजेचे आहे। तो अपने पैर को जो कार्बन लगा हुआ है, जैसे हर बात के लिए हम लोग बाइक लेकर जाते हैं, स्कूटी लेकर जाते हैं, कार लेकर जाते हैं और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग रीजन है गंदगी और एटमॉस्फेयर में कार्बन स्प्रेड करने के लिए। इसके लिए उसने क्या कहा कि अभी तक जो हम लोग ने गलती की उसे अभी हम लोग सुधारेंगे और प्राइवेट व्हीकल यूज नहीं करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, उत्तर लिहा। ओ, स्नेहल ने केलेला निश्चय। तो ये सब हो जाने के बाद स्नेहल ने क्या डिसाइड किया? स्नेहल ने केलेला निश्चय, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार। तो अभी कॉलेज जाते समय मैं साइकिल का ही यूज करूंगी जिसे कार्बन जो है वो नहीं स्प्रेड होगा। अभिषेक ने केलेला निश्चय। अभिषेक ने क्या डिसाइड किया? तो अभिषेक ने केलेला निश्चय, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसनच ये जा करणार। और कभी भी जब आप लोग कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट लिखते हो तो आपको डैश करके उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ये मैंने हर बार आप लोगों को कहा है, ठीक है। और जब आप लोग पेपर लिखते हैं, कोई कोई बच्चे जो रहते हैं मेरे जैसे जिन्हें ब्लैक पेन से लिखना पसंद होता है, तो अगर आपने पेपर ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, आप लोगों ने शुरुआत की है, तो फिर आप लोगों को पेपर के एंड तक ब्लैक पेन ही यूज करना जरूरी है, समझे आप लोग। इन केस समझो दुनिया के सारे ब्लैक पेन बंद हो गए और आप लोगों को ब्लू पेन यूज करने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आप किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को ब्लू पेन अगर यूज करना ही पड़ा तो जहाँ से आप लोग ब्लू पेन स्टार्ट करते हो तो वहाँ आप लोगों को टीचर का साइन लेना पड़ेगा, जो वहाँ पर सुपरवाइजर होगा आपके क्लासरूम में, उनका आपको सिग्नेचर लेना होगा। तो जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि सुपरवाइजर के परमिशन से ही इसने पेन चेंज किया हुआ है, तो आप लोगों को मिलेंगे पूरे मार्क्स, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें बहुत ही वैल्यू रखती है आपके बोर्ड एग्जाम के समय में, ठीक है। तो ये बातें हैं ना जो मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट जो जो भी बातें मैं बताती हूँ मेरे हर वीडियो में, वो गांठ बांध के रखना और कभी भूलना मत, ठीक है। और जो बच्चे लाइन नहीं मारते हैं ऊपर तो उनका पेपर तो चेक ही नहीं होगा। इसके लिए अगर आपको आदत नहीं है ऊपर लाइन मारने की तो प्लीज सेंटेंस से वर्ड लिख के ही तुरंत ऊपर लाइन मारने की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अरे मुझे तो आदत ही नहीं है, ये रीजन नहीं चलेगा बोर्ड एग्जाम में। आदत नहीं है तो आदत डालो, अभी से ही डालना शुरू कर दो आदत, ठीक है। और
जब भी कभी आप लोग एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने बैठते हैं तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है लेसन रीड करना, क्योंकि एक्सरसाइज में से ही नहीं तो आप लोगों को बुक में से क्वेश्चन एंड आंसर्स आने वाले हैं, तो पैराग्राफ और लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो कोई भी सवाल हो आप लोग आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, आज की ये जो टिप है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो भूलना मत। ठीक है, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे अभी प्रश्न चौथा जो है, पाठातील पात्रांची खालील बाबतीत माहिती भरून कोष्टक पूर्ण करा। अभी ये जो कैरेक्टर्स है, पात्र मीन्स कैरेक्टर्स, तो ये जो लेसन है पाठ यानी लेसन में के जो कैरेक्टर्स है उन लोगों के बारे में जो भी जानकारी आप लोगों को पता है, व्हाट एवर यू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट। ओके, तो यहाँ पर बहुत कम पड़ रही थी जगह, इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। तो उनका व्यक्ति कौन है और उनकी स्वभाव वैशिष्ट क्या है वो हमें लिखना है। व्यक्ति यानी पर्सन के बारे में, उनका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में हमें लिखना है। ओके, तो अभिषेक, अभिषेक कैसा इंसान है, पर्यावरण बद्दल जागरूक, ही वॉज वेरी मच अलर्ट अबाउट द एटमोसफियर, एटमोसफियर लवर, अवेयर अबाउट एटमोसफियर। सुमित, टेक्नोसेवी पर्यावरण प्रेमी, टेक्नोसेवी पर्यावरण प्रेमी यानी जो टेक्नोलॉजी में भरोसा करता है और वो भी एटमोसफियर लवर है। स्नेहल, स्वच्छतेची भुक्ति यानी क्लीनलीनेस ज़्यादा पसंद करने वाली लड़की। पावड़े काका, पर्यावरणाबद्दल उदासी, जो एटमोसफियर को गंदा करने का काम करते हैं। रेखा मावशी, पर्यावरण संवर्धनास मदद करता, तो एटमोसफियर को बचाने में हेल्प करने वाली है रेखा मावशी। प्रश्न पांचवा, खालील वाक्यांतील अलंकार ओळखा। तो आप लोगों को सिखाए हुए है अलंकार, तो आप लोग किस तरह से पहचानोगे। अ, रेखा मावशींचे पाय झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। अभी उनके पैरों को किसकी उपमा दी गई है, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे, जैसे जो वॉटरफॉल होता है ना उसका पानी कितना क्लीन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और व्हाइट भी होता है ना, तो उसका उपमा दिया है, इसके लिए ये है उपमा अलंकार। आ, पाय पुतनीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्या सारखा। तो ये जो चौकोन आया है ना उसको किसकी उपमा दी गई है, ये जो ब्लू चौकोन आया उसको आभाळाच्या निरभ्र तुकड्या सारखा यानी क्लीन स्काई के जैसा, ब्लू ब्लू क्लीन स्काई के उपमा दी है, इसके लिए ये भी है उपमा अलंकार। ओके, नेक्स्ट है सा, खालील शब्दांचे प्रचलित मराठीत अर्थ लिहा। अभी ये जो लेसन में यूज हुए थे इंग्लिश वर्ड्स, वी हैव टू राइट दीज इंग्लिश वर्ड्स इन मराठी, द मीनिंग ऑफ दैट इंग्लिश वर्ड्स इन मराठी। अ, वर्चुअल रियलिटी मीन्स वास्तव सत्य, वास्तव सत्य, ध्यान से लिखो। आ, टेक्नोसेवी मीन्स तंत्र स्नेही, टेक्नोसेवी मीन्स तंत्र स्नेही, टेक्नोलॉजी से प्यार करने वाला। ओके, फिर उसके आगे है सात, खालील वाक्यातील विराम चिन्हे शोधून त्यांची नावे लिहा।
मावशी तुम्ही राहता कुठ, तो इसमें की विराम चिन्हे कौन सी है, ये देखो दुहेरी अवतरण चिन्ह कहते हैं इसको, ये जो है ना इसे कहते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह, निकालना पड़ेगा आप लोगों को और इस तरह से बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये है स्वल्प विराम, ये देखो ये है स्वल्प विराम और ये है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। आठ, खालील शब्दांच्या जाती ओळखून लिहा। अभी जाति ग्रामर में के उनकी जाति कौन सी है, एक स्नेहल नाम है, नाउन है, तिचे विशेषण, तिचे के बारे में लिखा है ना, तिचे नाव स्नेहल है, तिचे विशेषण है, चंदेरी इज सर्वनाम, करणे इज क्रियापद, कुछ तो किया ना इसलिए वो है क्रियापद। नौ, खालील तक्ता पूर्ण करा, एक वचन अनेक वचन, एक वचन मीन्स सिंग्युलर, अनेक वचन मीन्स प्लूरल, ओके। शहर शहरे, सिटी सिटीज, नदी नद्या, रिवर रिवर्स, पाउल पावले, फुट फुट, डोंगर का डोंगर ही आएगा, माउंटेन का माउंटेन ही आएगा मीनिंग इसमें मराठी में, ठीक है। तो लिखते समय ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ओके। दस, स्वमत, ओ स्वमत, यहाँ पर बसती है आपकी बैंड, है ना। लेकिन अभी ये जो वीडियो है ना बच्चों बहुत बड़ा हो गया है, तो अगली वीडियो में पार्ट टू में मैं आप लोगों को ये स्वमत एक्सप्लेन भी करती हूँ और समझाती भी हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलेंगे पार्ट टू में। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो अभी कीजिए। हुबली कर लेने वाली है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए खास हिंदी और मराठी के स्टार्टिंग से पोएट्री, संतवाणी, लेसन्स, एवरीथिंग। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग मत छोड़िए और प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए उतना ज्यादा मजा भी आएगा हम लोगों को और उतनी अच्छी हम लोगों की पढ़ाई भी होगी, ओके। तो फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक, और कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को और स्टे होम स्टे सेफ। अभी तक हम लोगों का कोरोना फाइट चालू है तो अपने आप को बचा कर रखो, कोरोना को अपने पास आने मत देना, ठीक है। मास्क का यूज करना, हो सके तो घर के बाहर निकलना अवॉइड करना, अगर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, अगर जाना ही पड़ रहा है तो घर के बाहर मास्क के बिना मत घूमना आप लोग, और घर पर आने के बाद भी या तो नहा लो या फिर अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लेना, और कपड़े जो है बाहर से लाए हुए उन्हें धोने के लिए डाल देना, ठीक है। इतना करना अभी थोड़े दिन तो हम लोगों को कंपल्सरी है, ओके। चलो फिर बाय बाय। हुबली कर लेने वाली है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए खास हिंदी और मराठी के स्टार्टिंग से पोएट्री, संतवाणी, लेसन्स, एवरीथिंग। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग मत छोड़िए और प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए उतना ज्यादा मजा भी आएगा हम लोगों को और उतनी अच्छी हम लोगों की पढ़ाई भी होगी, ओके। तो फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक, और कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को और स्टे होम स्टे सेफ। अभी तक हम लोगों का कोरोना फाइट चालू है तो अपने आप को बचा कर रखो,
कोरोना को अपने पास आने मत देना, ठीक है। मास्क का यूज करना, हो सके तो घर के बाहर निकलना अवॉइड करना। अगर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, अगर जाना ही पड़ रहा है, तो घर के बाहर मास्क के बिना मत घूमना आप लोग। और घर पर आने के बाद भी या तो नहा लो या फिर अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लेना, और कपड़े जो है बाहर से लाए हुए उन्हें धोने के लिए डाल देना, ठीक है। इतना करना अभी थोड़े दिन तो हम लोगों को कंपल्सरी है। ओके, चलो फिर बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी दो तीन वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो यूट्यूब का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में। सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, गोल में उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मुलेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है, और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।